हेलो एवरीवन, मैं हूं मैं अमरा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलोर। दोस्तों, आज हम मार्गोनहल्ली के आरपुरम में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं टेक्नोड फर्नीचर के चेयरमैन जनाब जावेद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जावेद साहब, आवाम को बताइए कि आपने कब स्टार्ट किया आपकी टेक्नोड इंटीरियर फर्नीचर? ऑलमोस्ट हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है इसमें और तकरीबन हम 20 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दे हैव सो मेनी डिज़ाइंस, आपके पास जो भी डिज़ाइंस है वैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो जैसे भी जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग गोइड करते हैं। तो आपका ये किधर तक है फर्नीचर्स का, ये पूरा कहाँ तक एक्सपेंड होके हैं? एक हमारी फैक्ट्री है केजीएलई में, एक और हमारा है गोविंदपुरा में, और एक और है ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये मार्गोनहल्ली का सेटअप है। ये तो यहाँ पे आपको डेमो सेंटर है छोटा सा, जिसको आके देखकर चेक करके ऑर्डर देना है वो भी कर सकते हैं। पीछे ही फैक्ट्री है हमारा, तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट में फैक्ट्री है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। आप सो कितने बजट तक आप ये कर सकते हैं? स्टार्टिंग ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन 20,000 से समझे सोफ़ा 3 लॉन्जर जो स्टार्ट होता है, 20,000 से स्टार्ट होता है। देन दिस गोज़ ऑन, जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इसका मटेरियल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यू हैव सो मेनी मटेरियल्स इन दिस, जैसे कि वेलवेट है, स्वेड है, कॉटन है, तो आपको जैसा फैब्रिक चाहिए आप वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको कॉट्स आते हैं, कुशन कॉट्स हैं, विंग चेयर्स हैं, सोफ़ाज हैं 311, 32, 3 लॉन्जर सोफ़ा कम बेड्स। वी हैव सो मेनी डिज़ाइंस इन दिस। और अगर किसी को डाइनिंग चेयर्स बनवाना है हाई एंड, तो वो भी हम करते हैं। This is what we have. आप सिर्फ सोफ़ा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ आपके यहाँ पर मौजूद है। Yes, almost 90% फर्नीचर में जो होता है we manufacture it. तो ये बताइए आवाम को, आवाम आप तक किस तरह से पहुँचे? एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर्स YouTube से आते हैं और दे डायरेक्टली कम फ्रॉम द इंस्टा पेज। सो इन इंस्टा वी हैव सो मेनी डिज़ाइंस, वो देखते हैं, पसंद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे कम डायरेक्टली टू माई पेज एंड दे विजिट हियर। एंड ऐसा नहीं है कि आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो लेके जाते हैं। थैंक यू सर। फर्नीचर्स की ओर जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने अच्छे डिज़ाइन के सोफेज यहाँ पर रेडी हैं। बहुत अच्छे मटेरियल्स भी यूज़ किए गए हैं और बहुत से अच्छे डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइंस दिखाया गया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। एक दफ़ा आप इंटीरियर टेक्नोड इंटीरियर्स एंड फर्नीचर्स पे आइए, देखिए। दोस्तों, जैसा अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर खुद फर्नीचर बनाया जाता है। थोड़ी देर पहले बात किए थे जावेद फैंसी साहब से। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फर्नीचर बनाया जा रहा है, किस तरह के मटेरियल्स हैं इसमें। दोस्तों, यहाँ पर ये प्लाईवुड यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते मशीन, सीविंग मशीन में यहाँ पर कपड़ा सिया जाता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। खुद यहाँ पर जावेद फैंसी साहब आते हैं और यहाँ पर खुद उनका आइडिया जो भी मौजूद है वो बताते हैं और खुद उनके आइडिया के अनुसार यहाँ पर फर्नीचर तैयार किया जाता है। दोस्तों, अभी हमने बात की टेक्नोड फर्नीचर के चेयरमैन जनाब जावेद साहब से। मैं हूं मैं अमरा। आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बेंगलोर।